क्वांटिटी एस्टिमेशन ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी एक अच्छा बैकग्राउंड है। जितने भी लोग आप में से प्रोफेशनल फील्ड में वर्क करते हैं तो उनको क्वांटिटी एस्टिमेशन की जरूर जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो कि इनिशियल स्टार्ट लेना चाहते हैं, जो कॉलेज से जस्ट पास आउट है, वो अक्सर ये क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं कि हमें फील्ड में जाने के लिए क्या क्या चीजें हमें फील्ड की सीख लेनी चाहिए। तो क्वांटिटी एस्टिमेशन एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। और जितने भी लोगों की ये क्वेरीज रहती है कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इस फील्ड के लिए सीखना जरूरी है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ ही साथ एक नए कोर्स को हमने अपनी एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है, जो कि आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। क्या वो है और कौन से सॉफ्टवेयर के कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हमने अपनी एप्लीकेशन पे प्लान शिफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसका कोर्स को हमने पब्लिश किया अपने एप्लीकेशन पे। और इस कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जितने लोगों ने भी इसको परचेस किया, सभी लोगों ने इसको पसंद किया। फिर धीरे धीरे मैंने आप लोगों के कमेंट्स अपने प्लान शिफ्ट की वीडियोस पे देखा, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि ब्लू बीम का कोर्स ले आई। तो ब्लू बीम का कोर्स भी हमने अपनी एप्लीकेशन पे इसी मंथ में हमने पब्लिश किया हुआ है। लेकिन आज ये जो नया सॉफ्टवेयर है, ये एक वेरी नोन ब्रांड का है। और मैं ये कहूंगा कि आप में से जितने भी लोग हमारे एप्लीकेशन पे हैं, जितने भी लोग हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इस ब्रांड को अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क की बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से वो एसोसिएटेड है। लेकिन प्लान शिफ्ट की कोर्स में किसी एक स्टूडेंट ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि प्लान शिफ्ट जो है वो बिल्कुल ऑटोकैड जैसा है, तो ये काम हम ऑटोकैड में भी कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। अगर ऑटोकैड में अगर आप क्वांटिटी टेक ऑफ कर लेते तो फिर ऑटोडेस्क खुद ही क्वांटिटी टेक ऑफ का सॉफ्टवेयर क्यों बनाता? क्योंकि ऑटोकैड जो है एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप कुछ चीजें कर सकते हो लेकिन सभी चीजें आप वहां पे नहीं कर सकते। इसी वजह से ऑटोडेस्क ने खुद ही एक कंप्लीट क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें आप कंप्लीटली क्वांटिटी का एस्टिमेशन आप करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो हमने अपनी एप्लीकेशन पे इस कोर्स को पब्लिश कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से जितने लोगों का भी इंटरेस्ट बने तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स काफी मिनिमम प्राइस पे हमने लॉन्च किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुफियान सईद और आप देख रहे हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट। इस सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देखने से पहले मैं आपको कोर्स का एक डिटेल यहीं पे दे देता हूं कि इस कोर्स में मैंने जो कवर किया है वो आपको कंप्लीट इन डेप्थ सभी चीजों की नॉलेज देने की कोशिश की है। जैसा कि आपको यहां पे अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक 3D मॉडल है। तो इस कोर्स के अंदर मैंने कंप्लीट टेक ऑफ किस तरीके से एक 3D मॉडल पे किया जाता है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर। सेकेंडली, यहां पे मैंने 4 प्रॉब्लम को सेल्फ डेवलप करके आपके कोर्स में इंक्लूड किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स पे भी हमने डिटेल में कैलकुलेशन करना सीखा है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपको इस कोर्स की इनिशियल टू एडवांस तक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सेकेंड प्रॉब्लम को आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी प्रॉब्लम ली है, यहाँ पे भी आपको इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग को समझाने की कोशिश की है। फिर थर्ड नंबर पे एक और हमने प्रॉब्लम यहाँ पे रखी है इस कोर्स के अंदर, यहाँ पे मैंने स्टेयरकेस के रिगार्डिंग आपको वर्क कैसे करना है वो भी आपको यहाँ समझाया है। लास्टली जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो आपकी यहाँ पे एक 3D वॉल को लेके किस तरीके से वर्क करना है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि प्लान शिफ्ट हो गया या और ब्लू बीम हो गया तो फिर हमें ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ की ज़रूरत क्या है? तो सबसे बड़ा जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि ये आपकी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑटोकैड को जानते हैं, रेविट को जानते हैं और वो ऐसे फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ऑटोडेस्क के ही प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे वर्क भी कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर आपको इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़े, यानी आपको एक बिम फाइल दे दी जाए और आपसे फिर क्वांटिटी
टेक ऑफ वगैरह करा लिया जाए तो फिर आप उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके इजीली आप उस पर वर्क कर सकते हो, जो कि किसी अदर सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑटोडेस्क की आप यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और इजीली अपना क्वांटिटी एस्टिमेशन वर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि क्या आपके कोर्स में है और क्या इसके एडवांटेज है, और अब देखते हैं अपने इस कोर्स का ओवरव्यू। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे एक प्लान को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और विंडो को यहाँ पे अपनी वर्कबुक भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और फिलहाल हमें यहाँ पे इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत हो आप यहाँ पे आसानी से उसको आप रख सकते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं हो आप यहाँ से उनको हटा दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे स्केलिंग का कॉन्सेप्ट देखना हो तो बहुत आसान है, जो भी आप ऑटोकैड की फाइल या फिर रेविट की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे अपने यूनिट एंड स्केल पे जाके आपको यहाँ पे अपने यूनिट्स को सिलेक्ट करना है और सिंपली इसको अप्लाई एंड ओके कर देना है। अब जो आप यहाँ पे टेक ऑफ करोगे, सिंगल क्लिक से आप एग्जैक्ट क्वांटिटी को यहाँ पे टेक ऑफ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं 1500, अब मुझे यहाँ पे 2 points का मेथड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो कि वो मेथड यहाँ पे है। अगर आप किसी अदर फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप कोई इमेज फाइल लेते हो या फिर कोई PDF फाइल लेते हो, तो आपको 2 point का कंसेप्ट इस्तेमाल करना होगा, जो ऑलरेडी मैं अपने प्लान शिफ्ट कोर्स के अंदर कर चुका हूँ। सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सॉफ्टवेयर चाहे कोई सा भी हो, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो आप आसानी से उस पर वर्क करोगे। तो चलिए अब इस सॉफ्टवेयर में वर्क करने का तरीका देख लेते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन से टूल आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो लीनियर टेक ऑफ है, इसमें आपको 4 options मिलते हैं, सिंगल क्लिक, उसके बाद आपका पॉली लीनियर, देन आपका यहाँ पर रेक्टेंगुलर लीनियर, एंड फर्दर आपको यहाँ पे इलिप्स लीनियर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ सिंगल क्लिक दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो लेंथ आपके पास, यानी उसका टेक ऑफ आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नीचे आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है क्वान्टिटी 1 की, 1.25 meters, जो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। इन केस अगर आपको इसकी थिकनेस चेक करनी है, यानी जैसे कि अगर आपको वॉल की थिकनेस दिखानी है तो यहाँ पे 230 है, तो राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे अपनी थिकनेस इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूँ, और कलर करेक्शन वगैरह ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि वॉल की थिकनेस भी हमने यहाँ पे शो कर दी है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको मिड में जाके अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ चुकी है और इसको आप सेलेक्ट कीजिए और अपने वॉल पे जाके प्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्लेस कर देंगे तो अब आप यहाँ पे टेक ऑफ पे अपने वॉल की थिकनेस भी यहाँ पे साफ साफ दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल तो चीज़ें वही मिलेंगी, लेकिन सॉफ्टवेयर में वर्किंग करने का थोड़ा थोड़ा मेथड अलग होता है। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट मेथड दिखा दिया लीनियर, इसी तरीके से आपको यहाँ पे पॉली लीनियर टेक ऑफ मिलेगा, यानी आप कंटिन्यू मोड में अगर आप चाहते हैं टोटल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे टोटल लेंथ आपकी टेक ऑफ वगैरह नीचे आती रहेगी। तो जैसे ही कमांड से बाहर जाऊँगा तो आपको कंप्लीट वैल्यू पता चल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए वो वैल्यू आपकी यहाँ पे एड ऑन हो चुकी है, और इसको भी आप पकड़ के यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। डोर्स एंड विंडोज का वॉल्यूम भी रिडक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और उसको मैंने अपने कोर्स के अंदर इन डेप्थ कवर किया हुआ है। तो इसी में फर्दर आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, रेक्टेंगुलर लीनियर टेक ऑफ, देन आपका इलिप्स लीनियर टेक ऑफ, तो ये सब लीनियर टूल्स आपके पास रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर आपको किसी पोर्शन का एरिया दिखाना हो तो उसके लिए आपको जाना होगा एरिया टेक ऑफ पे। तो एरिया में भी आपको यहाँ पे देखिए 3 options मिलते हैं, पॉली लाइन एरिया टेक ऑफ, फिर आपको मिलता है रेक्टेंगुलर एरिया टेक ऑफ, एंड सेम यहाँ पे इलिप्स एरिया टेक ऑफ। काम सबका एक जैसा रहता है, बट
यूज आपका डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉली लाइन एरिया टेक ऑफ पे जाता हूँ, तो मान लीजिए कि अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो चलिए पहले हम यहाँ पे वो ले ही लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये आपका पॉली लाइन एरिया मेथड है। मैंने यहाँ से लिया एंड यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका एरिया नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5.043 मीटर स्क्वायर आ चुका है। इसको आप यहाँ पे भी शो करा सकते हैं। मैं पहले इसको, इसकी जो कलर है, इसको कलर को आप यहाँ पे चेंज कीजिए, ठीक है। एंड टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, और इसका साइज़ जो है आप इसको भी बढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरिया आपके पास आ चुका है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया मेथड था, जिसमें आपको देखा पॉलीनाइक एरिया मेथड्स। ये आपने फर्स्ट मेथड देख लिया। इसी में अगर आपको रेक्टेंगुलर मेथड से आपको देखना हो, तो आपको सिंपली रेक्टेंगुलर एरिया टेक ऑफ पे क्लिक करना है। और याद रहे कि अगर आप लेयर चेंज नहीं करते हो, तो जो एरिया अब यहाँ पे मैं इस मेथड से लूँगा, वो एरिया इस वेन्यू में ऐड हो जाएगा, जो कि आपको नीचे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ पे इतना पोर्शन का एरिया लिया, तो ये वेन्यू मेरी यहाँ पे नीचे ऐड हो चुकी है। स्क्रीन पे तो आपको किचन का एरिया इतना दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपकी 5.920 है, जो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुकी है, क्योंकि ये सेम लेयर पे वर्क कर रहा है। बस इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो कि आपको अमूमन सभी क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर्स में करना पड़ेगा। तो यहाँ तक एरिया का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। और अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो लेंथ कैलकुलेट करी थी ब्रिक वर्क की, तो अगर इसमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम यहीं जाएंगे, अपने उसी आइटम पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और आप सिंपली उसकी हाइट दे देंगे। अभी आपने थिकनेस तो दी थी, लेंथ वहाँ से टेक ऑफ कर ली सिंपली आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3.3 हाइट दे दी, और यहाँ पे आप कॉस्ट डेटा में जाइए और आपको वॉल्यूम चेक करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, और आपको टोटल यहाँ पे आपका वॉल्यूम नीचे दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.191 मीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका ये एरिया है, और एरिया जो आपने यहाँ पे लिया है, अगर इसी एरिया को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे मैं वॉल्यूम कन्वर्ट करना आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, और कॉस्ट डेटा में जाके यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई ओके कर दीजिएगा। लेकिन जनरल पे जाने के बाद पहले उसकी थिकनेस ज़रूर यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 मीटर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इस तरीके से करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वर्किंग आपको काफ़ी आसानी से मैंने अपने कोर्स के अंदर यहाँ पे समझाई है। अब ये दो टूल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे इस एरिया में से कुछ पोर्शन आपको बैकआउट करना है, यानी ओपन स्पेस आपको यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ के अंदर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये भी आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पे आपका पॉली लाइन बैकआउट है, यानी अगर आपने कोई लीनियर टेक ऑफ किया हो और वहाँ से उसको बैकआउट करना हो, तब आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली, आपको रेक्टेंगुलर बैकआउट इस्तेमाल करना है, अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे यही दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया और इतने पोर्शन को यहाँ से ट्रैक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने पोर्शन का एरिया यहाँ से माइनस हो चुका है, और आप नीचे भी वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कम हो चुकी है। एंड लास्टली, अब यहाँ रहता है कि अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी है, तो वो भी फीचर ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ के अंदर है, विद द हेल्प ऑफ काउंट टूल। तो मैं यहाँ पे काउंट टूल का इस्तेमाल करता हूँ, और काउंट टूल में जाने के बाद जिसको भी आप काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे D2 देख रहे हो, मैंने यहाँ पे D2 पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे काउंट करते चले जाइए, और सिंपली आपकी वो वैल्यू एड ऑन होती जाएगी आपके वर्कबुक के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे D2 दो काउंट कर लिए, और भूल जाइए काउंटिंग करना, ये अपने आप ही सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करता रहेगा। D2 पे हमने यहाँ पे काउंट करते रहे, ठीक है, D2 जितना भी है।
फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये 5 काउंट हो चुके हैं और इनकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट में, ठीक है। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल वेयर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल टीच यू अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड स्पेशली द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ AutoCAD। मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। 5 आपने काउंट यहाँ पे कर ली, इजीली आप कर सकते हैं और इसको फर्दर अगर इसकी शेप्स एंड साइज पे वर्क करना है तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। साइज को आपको घटाना है तो यहाँ पे आप लीजिए 8 है। यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन से देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 4 मिलती है, बट यहाँ पे आप अप टू 1 पॉइंट तक जा सकते हैं, इससे नीचे आप यहाँ पे नहीं जाओगे। बहुत छोटी साइज मैंने यहाँ पे कर दी है, ये पॉइंट में वैल्यूज नहीं लेता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि मैं इसका साइज फिर से बना रहा हूँ दिखाने के लिए, तो 8 हो गया। इन केस अगर मुझे यहाँ पे बैकआउट पे जाना है तो अब मैं यहाँ पे काउंट बैकआउट पे जाऊँगा और जहाँ जहाँ मैंने काउंटिंग किया होगा सिर्फ उस पर क्लिक करूँगा और वो वैल्यू यहाँ पे हट जाएगी। जैसे जैसे आपने देखा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काउंटिंग आपकी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, यानी बैकआउट होती जा रही है। मैं इस पर भी क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे नीचे देखिए काउंट आपका 1 रह जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो अब आपके समझ में एक 2D ड्राइंग पे वर्क कैसे करना है ये आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपना 3D मॉडल पे वर्क अगर हमें करना है तो, जो कि एक एडवांटेज है सॉफ्टवेयर के अंदर, उस पे वर्क कैसे करेंगे तो वो भी अब हम यहाँ पे देखने वाले। तो अब तक आप देख रहे थे कि 2D मॉडल के अंदर आप किस तरीके से ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ के अंदर क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का एक बेनिफिट ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक 3D मॉडल से भी अपना टेक ऑफ कर सकते हैं एंड कंप्लीट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड दिखाऊंगा। पहला मेथड ये होगा कि जैसे ही मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर, एक जहां से मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को जिस सॉफ्टवेयर में बनाया है जो कि रेविट की फाइल है, जैसे ही मैं यहां पे सिंगल क्लिक करूंगा इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो आपका PCC हो या फिर आपकी स्टेप फुटिंग हो, आपकी DPC हो, डोर्स हो, स्ट्रक्चर वॉल, सुपर स्ट्रक्चर वॉल हो या स्लैब हो, डोर्स विंडोज हो, एवरीथिंग सिंगल क्लिक से आप यहाँ पे उसकी वैल्यू देख सकते हैं, यानी क्वांटिटी की वैल्यू देख सकते हैं और सिंपली उसमें आप रेट को इंसर्ट करें और टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए वो कैसे करते हैं। यहाँ पे ये जो मॉडल टेक ऑफ आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है और अपने स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी आप एक क्लिक कर दीजिएगा सिंपल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके सभी टेक ऑफ हो चुका होगा। इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और यहाँ अपने टेक ऑफ पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक WBS के अंदर एक कंप्लीट एक ग्रुप बना है और इस ग्रुप को आप जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्सपैंड करते जाएंगे आपको कंप्लीट आपके टोटल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मिलने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, मिलने का मतलब ये है आपको उनकी टोटल क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। वो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको अभी यहीं पे दिखाऊंगा, ठीक है। ये जैसे जैसे मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ ये हर ग्रुप के अंदर जो आइटम्स हैं वो आप यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्लिक से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 300 mm वाला जो आप ब्रिक वॉल देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला 300 mm वाला ये देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी वर्कबुक ओपन कर देता हूँ और अब आप यहाँ पे देखिएगा नीचे जो आपको क्वांटिटी देखनी है वो कैसे आपको यहाँ पे नज़र आती है। ओके,
चाहे तो आप इसे वन बाय वन, जिसको आपको नहीं देखना आप उसको यहाँ से हाइड कर दीजिए, ये भी एक एडवांटेज है। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपको जिसको देखना है आप उसको रखिए, जिसको नहीं देखना आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी है, अपने ग्रुप पे हाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपको पता चल गई टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे 38 मीटर है। साथ ही साथ अगर आपको क्वांटिटी चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे लेंथ तो टोटल पता चल गई, अगर क्वांटिटी 2 आपको यहाँ पे देखनी है तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपको गॉस डेटा पे जाना है, यहाँ से आपको अपना वॉल्यूम सेलेक्ट कर देना, यानी जो भी आपकी सेकेंडरी यूनिट है, ठीक है, जिसमें जो कि आपको देखना है, यानी सेकेंडरी आइटम है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ पे कॉस्टिंग देनी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 डाल देता हूँ, लेबर कॉस्ट मैं यहाँ पे 250 डाल देता हूँ, सब कॉन्ट्रेक्टर का कॉस्ट मैं 150 डाल देता हूँ, एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। ये एक मैं रेंडम रेट डाल रहा हूँ। यहाँ से आप अपना जिस भी क्वांटिटी के लिए आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये रेट्स मल्टीप्लाई बाई दैट क्वांटिटी विल गिव द टोटल एस्टिमेट। यहाँ पे मैं अप्लाई ओके करूँगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है। और जो भी आपको चाहिए, इक्विपमेंट कॉस्ट देखनी है, सब मटेरियल कॉस्ट देखनी है, सब कॉन्ट्रेक्टर कॉस्ट देखनी है या लेबर कॉस्ट देखनी है, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंपल एक मॉडल क्लिक पे करने के बाद आप टोटल स्ट्रक्चर का कंप्लीट एस्टिमेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अब मैं बात करूँगा सेकंड मेथड की। तो अब देख लेते हैं मॉडल के अंदर वो दूसरा मेथड कौन सा है जिसकी हेल्प से आप अपना एस्टिमेट आसानी से कर सकते हैं। तो वो जो दूसरा मेथड है वो है सिंगल क्लिक ऑटो टेक ऑफ। अब सिंगल क्लिक ऑटो टेक ऑफ का मतलब होता है आप सिर्फ जिस भी एलिमेंट में क्लिक करोगे उसी का ऑटो टेक ऑफ आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो आपका देख रहे हैं आप नीचे, ये है आपका PCC, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसका कंप्लीट टेक ऑफ किस तरीके से आएगा। यहाँ पे मैं सिंपल इस पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमने एक आइटम यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे क्वांटिटी इसकी दिख रही है आपको 6 मीटर, यानी इसकी लेंथ 6 मीटर दिख रही है। और जो भी आप इसका यहाँ पे देखना चाहेंगे, चाहे एरिया देखना चाहें या वॉल्यूम देखना चाहें, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टाइप यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका टाइप एरिया कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे इसका एरिया देख सकते हैं। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, यानी वॉल्यूम देखने के लिए, आपको इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना होगा और साथ ही साथ कॉस्ट डेटा पे जाके क्वांटिटी 2 पे वॉल्यूम कर दीजिएगा, आपके सामने उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं। अब रही बात इसकी यहाँ पे वैल्यूज कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग आपको वही करनी पड़ेगी। आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए, इसके कॉस्ट डेटा पे जाइए, इन वैल्यूज को आप एंटर कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं सभी में यहाँ पे 100 कर देता हूँ, सभी में मैंने यहाँ पे 100 कर दिया और अपने वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अप्लाई ओके किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट जो है टोटल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर हमें यहाँ पे ये तो जो भी मॉडल से हमने टेक ऑफ किया वो सब वैल्यू यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन अगर मुझे इसमें फर्दर, जैसे प्लान स्विफ्ट के अंदर हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन किया था, सैंड का सैंड और एग्रीगेट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, क्या वो हम यहाँ पे कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है अपने सिंपल जो भी हमारा आइटम है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज पे इस पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें असेंबली पे जाना है। असेंबली पे जाने के बाद आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए और जो भी आपने असेंबली बनाई होंगी वो आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करनी है। और यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आपको सीमेंट का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो सीमेंट मैंने ले लिया, मान लीजिए ये जो भी हमने PCC देखी है तो इसके अंदर हमें सीमेंट की वॉल्यूम कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बैग्स में, ठीक है।
तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी पे अपना जाइए और क्वांटिटी वैल्यू पे आप वॉल्यूम कर दीजिए, इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद क्वांटिटी टू पे जाइए, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे यूनिट वन आपकी मीटर क्यूब रहेगी। और क्वांटिटी टू पे जाइए, यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यूज़ आपका वॉल्यूम रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप क्वांटिटी एस्टिमेशन के वो फॉर्मूले को आप रखेंगे जो आपने अपनी एनालिसिस में सीखा होगा, यानी एनालिसिस ऑफ रेट्स में सीखा होगा। तो वो कंप्लीट फॉर्मूलेशन आपको यहीं पे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सीमेंट का वॉल्यूम, सीमेंट के बैग्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो मैं यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से लगाऊंगा, तो वो आप यहाँ पे अभी देख लीजिएगा। जैसे ये वॉल्यूम है, मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आती है तो मैंने अपने कोर्स में इसको काफ़ी डिटेल में बताया है। तो वॉल्यूम इसको ड्राई में हमने कन्वर्ट कर दिया 1.5 से मल्टीप्लाई करके, आप 1.54 भी वैल्यू ले सकते हैं। इनटू यहाँ पे सीमेंट का प्रोपोर्शन इस रेशियो में, जो कि रेशियो है आपका 1:2:4, तो यहाँ पे 1 है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। और डिवाइड आप करोगे यहाँ पे सम ऑफ द प्रोपोर्शनल रेशियोज होते हैं, 1:2:4 में 4+2+1, यहाँ पे 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको आप एक सीमेंट के बैग का जो वॉल्यूम होता है, वो आप सभी जानते हैं 0.0347 मीटर क्यूब होता है, उस वॉल्यूम से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम आएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ बैग्स। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 0.2429 से। अब इस वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड कर ऑपरेटर छूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 0.2429 से। अब इतनी वैल्यू से मैंने क्यों किया, ये मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किसी के समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, ऑलरेडी इसको कोर्स में काफ़ी डेप्थ में बताया गया है। तो यहाँ पे सेकेंडरी जो क्वांटिटी है वो आपका नंबर ऑफ बैग्स में है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे यूनिट ईच में रखनी है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको आप एरो के नीचे, ये जो आप देख रहे हैं नीचे एक और एरो, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको असेंबली में सीमेंट आपको दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे इतने मीटर क्यूब के लिए, 2.1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको यहाँ पे जो है क्वांटिटी टू जो है यहाँ पे सीमेंट नंबर ऑफ बैग्स में 12.968 बैग्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब आपके समझ में यहाँ पे ये आ गया होगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप 2D पे भी वर्क कर सकते हो आसानी से, 3D मॉडल पे भी वर्क कर सकते हो, और अपना जितना भी मटेरियल है उसको इंडिविजुअल भी आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग PTS CAD Expert। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।